हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास जिसमें हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। तो ये देखिए हमारी टेलीग्राम की लिंक है, जो लोग भी नए हैं वो लोग फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है वीडियोस की और साथ में मटेरियल भी मिलता है। इसके अलावा मटेरियल के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर भी लिंक दी हुई है, उसको भी क्लिक करके आप उस पर जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दीज आर आवर डिटेल्स जिसको आप यूज करके हमसे अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेलीग्राम चैनल टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी गई है। ये प्रिलिम्स मेंस के साथ साथ दोनों ही चीजें बताई गई हैं, सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द टेस्ट सीरीज अवेलेबल। अब देखिए अगर आज के टॉपिक के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसे कि कुछ एस्ट्रोनॉमिकल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर डिटेल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जैसे पहला इसमें आ जाता है वो है जीसैट 30 के बारे में। जीसैट 30 इज अ सैटेलाइट विच इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना बाय द एरियन 5 रॉकेट। अब देखिए ये हम लोगों ने खुद क्यों नहीं लॉन्च किया, हम लोगों ने फ्रेंच गुयाना की मदद क्यों ली है, क्योंकि वर्ल्ड जो होती है वो इंडिया से मदद ले रहा, हम लोग जा रहे हैं फ्रांस के पास में इस तरीके से करने, क्यों भाई? देयर इज सम कंसेप्चुअल पॉइंट, वो हम लोग देखते हैं क्या चीज है। इसके अलावा इंडिया का जो ये जीसैट सैटेलाइट है, दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, कैसे होता है, इसका वेट आप लोग देख लीजिए 3357 किलोग्राम, ये इसका सैटेलाइट का मास है। अब जरा हम लोग देखते हैं इसके डिटेल के बारे में, तो डिटेल इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये सैटेलाइट छोड़ी गई है। इसके अलावा देखिए एक भुवन पंचायत सैटेलाइट भी है और इसके सैटेलाइट के थ्रू एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है। इस वेब पोर्टल का यूज जो किया गया है वो ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने और ग्राम पंचायत को डेटा ओरिएंटेड बनाने के लिए, या कह लीजिए कि डेटा से संबंधित जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसरो रिमोट सेंसिंग सेंटर विच इज द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ अर्थ इमेजरीज एड्स रूरल प्लानर टू प्लान एंड लोकेट अ हेल्थ केयर यूनिट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें हैं जो गांव के लेवल पे विलेज के लेवल पे चाहिए होती है वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड की गई हैं भुवन के नाम पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भुवन आखिर में सैटेलाइट क्या है, कैसे है, तो हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखना शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट। इस बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में समझते हैं और बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट के समझने के बाद हम लोग वापस से इस स्लाइड पे आएंगे एंड वी विल लुक इनटू द डिटेल्स। हम लोगों ने जो चीज कॉन्सेप्ट सीखा उसी के बेसिस पे देखेंगे आखिर में क्या इसे समझा जा सकता है या फिर अगेन इसको रट्टा ही मारना है केवल। तो अब जरा बेसिक्स के बारे में देखा जाए, बेसिक्स देखते हैं। तो देखिये बेसिक्स में क्या होता है कि जैसे ये हमारी अर्थ की अर्थ ऑर्बिट है, अर्थ के बाद यहां पर हमारी सैटेलाइट तैयार होकर रखी हुई है, इसको हमें ऊपर उठा करके भेजना है एटमॉस्फेयर के बाहर। तो क्वेश्चन ये होता है अर्थ के बाहर क्या है, अर्थ के बाहर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होती है, फिर मीजोस्फीयर होती है, फिर आयनोस्फीयर होती है, फिर एक्सोस्फीयर होती है। जो हमें सैटेलाइट छोड़ना होता है वो छोड़ना होता है मीजोस्फीयर में। क्यों? क्योंकि आयनोस्फीयर में अगर सैटेलाइट हम छोड़ते हैं तो यहां पे पाए जाते हैं आयंस, और आयंस क्या करते हैं कि जितनी भी रेज होती हैं इन रेज को इनके रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं सकते हैं, करते हैं, इस वजह से हम लोग यहां नहीं छोड़ते हैं, हम लोग छोड़ते हैं मीजोस्फीयर में, या इसी को बोलते हैं हम लोग LEO, या इसी को बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये चीज हो जाती है। तो यहां से अर्थ के सरफेस से इसको मीजोस्फीयर तक के जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को यूज करते हैं, मतलब कि एक लॉन्च व्हीकल्स यूज करते हैं, और ये लॉन्च व्हीकल्स नीचे सारे डिटेल दी गई है। जैसे इसमें एक हो जाती है जो SLV है, दूसरा ASLV है, दूसरा PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर है हमारा GSLV जियो स्टेशनरी, फिर उसके बाद जो होता है GSLV Mark 2 Mark 3, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब यहां पर देखिए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है जिसमें पहले नंबर पे हाइट है, हाइट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लिफ्ट ऑफ वेट, मतलब इसका वेट कितना है, ये सब के बारे में तो कुछ खास है नहीं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है प्रोपल्सन के बारे में और पेलोड के बारे में और ऑर्बिट के बारे में। तो प्रोपल्सन देखें तो ये पूरा का पूरा सॉलिड है, यहां पर क्या है 40 किलोग्राम तक का ही केवल और केवल ये सैटेलाइट लेकर के जा सकता है, यानी कि बहुत ही हल्का है और इतना कुछ खास हमारे काम में नहीं आएगा। और सीधी सी बात है सबसे पुराना है आज की डेट में, कितना ये काम कर पाएगा, तो ये हमारा सीन हो जाता है। इसके अलावा LEO में छोड़ने के लिए ये हमारे पास इस तरह की सैटेलाइट होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाएगा, छोटी दूरी पे जाएगा, LEO तक जाएगा। अगर यहां पर देखें ASLV में ये भी क्या है, पूरा का पूरा सॉलिड है
और ये 150 किलोग्राम तक का सैटेलाइट को लेकर के जा सकता है। अगेन ये बहुत कम है, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, तो ये भी बहुत पुराना है, ये भी एलईओ में छोड़ता है। पीएसएल भी आता है जिससे हम लोग मैक्सिमम सैटेलाइट अपने छोड़ते हैं, मैक्सिमम सैटेलाइट हम लोग इसी के थ्रू स्पेस में भेज रहे होते हैं। अब यहां पर जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड दो सिस्टम होती है, मतलब यहां पर अगर बात करें कि फ्यूल इंजेक्शन में तो यहां पर दो चैंबर्स होते हैं। इन दो चैंबर में सबसे पहले लिक्विड होता है, फिर उसके बाद से सॉलिड प्रोपल्सन होती है, और इन दो प्रोपल्सन के थ्रू ये ज्यादा डिस्टेंस तक और ज्यादा वेट को लेकर के जा पाता है। अब ज्यादा वेट मतलब कितना वेट, देखिए 1860 किलोग्राम का वेट ये लेकर के जा पाता है, तो 1860 किलोग्राम तक का वेट ये लेकर के जा रहा है। इसके अलावा ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक में, मतलब कि 475 किलोमीटर अगर सन सिंक्रोनस में भेजना है और 1300 किलोग्राम जियो सिंक्रोनस में भेजना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब दिस इज कैपेबल फॉर बोथ सन सिंक्रोनस एज वेल एज फॉर जियो सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस क्या होता है, थोड़ा देर वेट करिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके भी बारे में। अब इससे एडवांस वर्जन हमारा आता है, वो होता है जीएसएलवी मार्क थ्री। जीएसएलवी मार्क थ्री के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर क्रायोजेनिक इंजन होती है, तीन स्टेज में होती है, सबसे पहले लिक्विड फिर सॉलिड, फिर उधर आती है क्रायोजेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और काफी ज्यादा हाईली एडवांस्ड ये हमारा लॉन्च व्हीकल हो जाता है, और इसी वजह से ये कितना वेट लेकर के जा रहा है, 2200 तक किलोग्राम तक का वेट लेकर के जा रहा है। और ये ले कहां जाता है, जियो सिंक्रोनस जीटीओ में लेकर के जाता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लेकर के जाता है, सन सिंक्रोनस में लेके नहीं जाता है। सिमिलरली अगर बात करते हैं जीएसएलवी मार्क थ्री के लिए, तो जीएसएलवी मार्क थ्री ये भी 4000 किलोग्राम तक का वेट लेकर के जा पा रहा होता है, और ये भी लेके जाता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। क्लियर हो गया, यहां पर भी तीन फ्यूल इंजन है, जैसे एक आपका सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर आपका क्रायोजेनिक इंजन आ जाता है। तो ये देखिए डिटेलिंग है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो आप इनको एटलीस्ट तैयार रखिए, एटलीस्ट आप इंजन के बारे में, फिर उसके बाद से कौन सा ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस है, जियो सिंक्रोनस है, और कितना वेट ये लेकर के जा सकता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च व्हीकल क्या है। अब जैसे अगर बात करते हैं जो हमारा लास्ट ये हमारा जी सेट 30 सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का कितना वेट है, इस सैटेलाइट का वेट है 3357, मतलब मान लेते हैं कि जो होता है 3360 है, ये 3360 किलोग्राम। हम लोग यूज कर सकते हैं अपना जीएसएलवी मार्क थ्री, यूज कर सकते हैं हम लोग और खुद से हम लोग भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, दिस इज लिटिल कॉस्टली, एंड दैट इज वाई वी हैव यूज्ड फ्रेंच गुयाना, मतलब कि हम लोग दूसरे कंट्री का सहयोग लिए हैं और उसके सहारे हम लोग भेज रहे हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो दिस इज आउट द थिंग इज। हालांकि अगर मान लीजिए कि 4000 से अगर ज्यादा होता तब तो हमको 100% दूसरी कंट्री पर ही रिलाइड रहना होता, क्योंकि इतने वेट का या इससे ज्यादा वेट का हमारे पास लॉन्च व्हीकल है ही नहीं जिसको कि हम लोग यूज कर पाए। क्लियर हो गया क्या चीज है, सैटेलाइट कैसे फंक्शन करता है, सैटेलाइट का मतलब लॉन्च कैसे करता है, ये क्लियर हो गया है। अब जरा शुरू करते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में वी हैव थ्री टाइप ऑफ ऑर्बिट इन आवर सोलर सिस्टम। जैसे कि मान लेते हैं, पहले एक बार सोलर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में समझना है तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में आते हैं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ में दिस इज आवर इक्वेटर, तो ये इक्वेटर के पैरेलल में भी एक ऑर्बिट बन सकती है, बन सकती है कि नहीं, जो पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से चक्कर काट रही होगी, पृथ्वी के चारों ओर, तो ये पैरेलल हो सकती है अर्थ मतलब इक्वेटर के, या फिर किसी भी लैटिट्यूड के अलोंग हो सकती है, ठीक है, एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा क्या है, सपोज दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्थ, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्थ, ठीक है, यहां पर अर्थ है, यहां पर अर्थ है, यहां पर अर्थ है, यहां पर अर्थ है, यानी बीच में कहीं पर सन होगा, तो ये एलिप्स है, एलिप्स में यहां या तो सन होगा, या तो ये सन है, सन बना दिए, या फिर यहां सन होगा, दोनों में से कहीं एक जगह पर ही सन होगा। तो अगर ये सन है, यानी कि इस एलिप्स के मतलब इसके चारों ओर बीच में सन होगा, सन के चारों ओर में पृथ्वी इस तरीके से घूम रही होगी, ऐसा होता है, सिस्टम होता है, मतलब ये नियरली 1 ईयर लगता है इस पूरे इस चारों ओर घूमने में, और इसके चारों ओर घूमने में कितना दिन लगेगा, 24 आवर्स लगेंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब जरा हम लोग देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब क्या है, नाम में जरा देखिए क्या है, जियो प्लस सिंक्रोनस, इसका मतलब क्या है, जियो मतलब तो हो गई पृथ्वी, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हुए होंगे, सिंक्रोनस मतलब सिंक में रहना, यानी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये वाली सैटेलाइट मूव
नहीं कर रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी जिस हिसाब से चारों ओर घूम रही है उसी हिसाब से सैटेलाइट भी घूम रहा है, तभी ना इसके रिस्पेक्ट में पृथ्वी पर हमें लगेगा कि जो होता है ये सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा है, यानी दिस सैटेलाइट इज मूविंग विद द सेम स्पीड जिससे कि अर्थ भी मूव कर रही है। तो इससे क्या होगा, लगातार क्या एक ही जगह पर सैटेलाइट एक ही जगह पर क्या मतलब कि कनेक्शन दे रहा होगा, एक ही जगह पर लगा हुआ होगा, तो एक ही जगह पर लगा हुआ है मतलब कि वन सैटेलाइट फॉर वन लोकेशन, वन सैटेलाइट फॉर वन लोकेशन। ये क्लियर हो गया क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस। क्लियर। अब देखिए जियो सिंक्रोनस के साथ ही एक और ट्रेजेक्ट्री है जिसका नाम है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी लाइन है, और जियो सिंक्रोनस देखिए यही एंगल पे है। तो देखिए दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बोथ हैव द सेम काइंड ऑफ ऑर्बिट, दोनों सेम काइंड ऑफ ऑर्बिट है, बस एक क्या है इक्वेटर के पैरेलल है, दूसरा किसी दूसरे लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के पैरेलल में हो जा रहा है। तो केवल और केवल डिफरेंस यही है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकल के आ जा रहा है, अदरवाइज दोनों में अगर बात करें कि क्या डिफरेंस है तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ हैव सेम करेक्टरिस्टिक, वन सैटेलाइट फॉर वन लोकेशन। ये समझ में आ गया क्या चीज है, तो यही चीज यहां पे लिखी गई है कि जियो सिंक्रोनस जैसा कि नाम बताता है कि इट इज सिंक्रोनाइज विद द अर्थ रोटेशन, दिस मींस दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी एंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस इन द ऑर्बिट वुड रिटर्न टू द सेम पॉइंट वन आफ्टर सिडरल डे। तो 24 घंटे में क्या होती है, एक तरीके से एक चक्कर पूरा ये घूम जा रही होती है। हाउएवर जियो स्टेशनरी के बारे में बात करें तो ये भी क्या है, जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल केस हो जाता है, इज अ सर्कुलर ऑर्बिट प्लेस्ड अबव द इक्वेटर एट एन एल्टीट्यूड फला, ये सब चीजें आपको उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए वन प्लेस एक जगह पर, वन सैटेलाइट फॉर वन प्लेस, इसका मतलब क्या है, लगातार क्या कोई एक कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, तभी ना आपको चाहिए होगा, कहते हैं ना नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एक नेटवर्क है, क्या हम बोल सकते हैं कि डीटीएच जितने भी काम कर रहे हैं टाटा स्काई वगैरह क्या इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, यानी डीटीएच के लिए जो भी सैटेलाइट है 100% उस सैटेलाइट का नाम जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ही होगा। क्लियर। जितने भी मोबाइल के टावर्स हैं वो सारे के सारे यही होंगे, जितने भी टेलीफोन हो गया, जितने भी रेडियो हो गया या जो कुछ भी है वॉकी टॉकी जो कुछ भी है, सारा का सारा क्या यही रहेगा, एक सिंगल पॉइंट पे लगातार कंसंट्रेट करके रखा हुआ है। इसके अलावा देखिए हम लोग वेदर रिलेटेड सैटेलाइट भी इसमें रखते हैं, लेकिन वेदर केवल उस जगह की जहां पर हमें कंटिन्यूअस वॉच करना होता है, तो कंटिन्यूअस वॉच करने के लिए हम लोग ये सिस्टम लगा रहे होते हैं। अगर बात करें क्या हम लोग, अगर सपोज मुझे गूगल मैप चलाना है तो क्या इससे काम करेगा, नहीं इससे काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको एक लोकेशन चाहिए होता है, इस पूरे लोकेशन के एरिया में हमें देखना होता है। या तो आप बहुत सारी जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाइए जो एक दूसरे के थ्रू लिंक हो जाए, जैसे डेटा रिले में बात किए थे, या फिर सन सिंक्रोनस लगाइए। अब सन सिंक्रोनस क्या होता है, सन सिंक्रोनस का मतलब होता है जहां पर सन के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट की स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी जिस तरीके से जियो सिंक्रोनस पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के स्पीड से चक्कर काट रहा था, उसी तरीके से सन सिंक्रोनस में सन के बराबर से चक्कर काट रहा होगा, यानी कि पृथ्वी के हिसाब से जैसे सन मूव कर रहा होता है वैसे ही क्या ये भी मूव करता हुआ दिखेगा, यानी कि ये सैटेलाइट भी पृथ्वी के चारों ओर एक साल में तब जाकर के ये चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा। इसके लिए यूज का क्या करेंगे हम लोग, जब भी क्या बड़े एरिया में या कह लीजिए कि पूरे इलाके को जब वॉच करना होता है तो हम इस तरीके के सैटेलाइट लगाते हैं, जैसे स्पाई सैटेलाइट जितने भी होते हैं वो यही होते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स वगैरह सन सिंक्रोनस होते हैं। तो इट इज अ सैटेलाइट प्लेस्ड सैटेलाइट इन अ कांस्टेंट सनलाइट व्हिच अलाउज द सोलर पैनल टू वर्क कंटिन्यूअसली, इट इज यूजफुल फॉर इमेजिंग फोटो खींचने के लिए स्पाई के लिए और वेदर रिलेटेड सैटेलाइट्स काम करने के लिए ये बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो दिस इज अ सैटेलाइट, जैसे क्या है मान लीजिए रिमोट सेंसिंग का काम करना है, या फिर कह लीजिए कि जो होता है फॉरेस्ट की हमें देखनी है कि कितना फॉरेस्ट है, फायर वगैरह देखना है, अगर हमें चक्रवात वगैरह मतलब साइक्लोन वगैरह एक्टिविटी देखनी है तो हम सन सिंक्रोनस वगैरह लगा रहे होते हैं। तो यानी एक आइडिया लग गया कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होंगी वो पूरी की पूरी जियो सन सिंक्रोनस में रहेंगी, और जितनी भी कम्युनिकेशन रिलेटेड रहेंगी वो सारी की सारी जियो स्टेशनरी या जियो स्पेशल रहेंगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन है तो 100% क्या जियो स्टेशनरी रहेगा, क्लियर हो गया क्या चीज है, तो ये आपको आइडिया लग गया कि कैसे आप जियो स्टेशनरी या फिर सन सिंक्रोनस बनाएंगे। क्लियर। उसी तरीके से देखिए भुवन के बारे में, भुवन में क्या है, भुवन में बेसिकली जीआईएस का यूज किया जा रहा है, ज्योग्राफिक इमेज सेंसिंग, दिस इज ज्योग्राफिक
इमेज सेंसिंग। अब यहां पर क्या है, जहां पर भी मान लीजिए कि जो होता है हेल्थ केयर यूनिट लगाना है या वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है या रूरल कम्युनिकेशन लगाना है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, डायरेक्टली इस भुवन का यूज किया जाएगा और उसके थ्रू इसको लोकेट किया जाएगा। तो लोकेट किया जाएगा यानी कि अब आप लोग बताइएगा कि ये जो भुवन सैटेलाइट है ये जियो जियो सिंक्रोनस होना चाहिए या जियो स्टेशनरी होना चाहिए, दोनों मतलब या तो ये होगा या फिर सन सिंक्रोनस होगा। बताइए आप लोग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आखिर में ये सैटेलाइट कैसा हुआ होगा, कैसा होगा। अगर आप समझ गए हैं तो आप बहुत ही आसानी से आंसर कर देंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम का। क्लियर हो गया क्या चीज है, अब आपको आगे कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा जब भी हम लोग सैटेलाइट रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स आता है HF HSD N512। क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्टली कि बताइए इससे क्या मतलब है, ये क्या चीज है। तो ये क्या चीज है, दिस इज अ हाई फ्यूल, ठीक है, ये हाई क्वालिटी फ्यूल है जो कि डेवलप की गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये की यूज की जा रही है किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा यूज की जा रही है। इट इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम हल्दिया एंड पारादीप, ये दो जगहों से ट्रांसफर की जा रही है, हर दो जगहों से सैटेलाइट की जा रही है। इसकी खासियत क्या है, इट हैज हाई सीटेन नंबर, इसकी जो सीटेन नंबर है वो काफी हाई है। द फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं जरा। तो इट हैज हाई रियोलॉजिकल एंड डिटरजेंट डिटर्जेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जल्दी ये पिघलता नहीं है, अच्छी खासी ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो इट ऑल्सो हैज अ लेसर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी हम लोगों ने रखा हुआ है, तो हाई क्वालिटी होने के कारण से ये इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर का निकल करके आता है, उतना ज्यादा ये पॉल्यूशन नहीं करता है जितना बाकी फ्यूल वगैरह कर रही होती हैं। सल्फर कंटेंट भी इसका लो होता है, जैसे कि हम लोगों ने BS6 में भी क्या किया है, सल्फर के कंटेंट को काफी कम कर दिया है BS4 से। इट प्रोवाइड्स फ्यूल ऑफ बेटर क्वालिटी देन दैट मैंडेटेड टू ऑल फॉरेन नेवीज अंडर बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक, बाकी जैसे कंट्री यूज कर रही होती है उनसे हम लोगों का काफी क्लीन फ्यूल है ये। अब देखिए यहां पर एक आया है टर्म सीटेन नंबर क्या होती है, तो देखिए सीटेन नंबर के बारे में जरा देख लीजिए। सीटेन नंबर क्या होती है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ कंबशन स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल एंड कंप्रेशन नीडेड फॉर इग्निशन। तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है डीजल फ्यूल के लिए उसी को बोलते हैं हम लोग सीटेन नंबर। अगर ये ज्यादा है, यानी अगर मान लीजिए कि हाई सीटेन नंबर आता है तो इफिशियंसी इसकी हाई है, मतलब कि इसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो हाई है। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो दिस इज हाउ द थिंग इज। इसके अलावा देखिए ऑक्टेन नंबर भी होता है, सिमिलरली जैसे कि ये डीजल के लिए होता है वैसे ही ये होता है गैसोलीन के लिए, दिस इज फॉर गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह के लिए कह सकते हैं। तो ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन और एविएशन फ्यूल, द हायर द ऑक्टेन नंबर मोर कंप्रेशन द फ्यूल विद स्टैंड बिफोर डोनेटिंग। यानी कि क्या है, अगर हाई क्वालिटी है तो हाई ऑक्टेन नंबर, अगेन सेम चीज है, हाई ऑक्टेन नंबर है तो हाई क्वालिटी, यहां से हाई क्वालिटी फ्यूल निकल के आ रहा होगा, हाई क्वालिटी फ्यूल। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग सर्च करिएगा। एक होता है जो बोलते हैं नॉकिंग क्या होती है, KNOCK, नॉकिंग क्या होती है, ये होती है जो व्हीकल्स होती है फोर व्हीलर्स वगैरह उसमें यूज की जाती है व्हीकल्स में, ठीक है। और इसको नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। आपको बताना है व्हाट इज नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग एजेंट में हम लोग कौन कौन से एजेंट्स यूज करते हैं, व्हाट आर द एजेंट्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो आपको बताना है नॉकिंग के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जरा अगला टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरा से रिलेटेड। कैरा का मतलब होता है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, व्हाट इज दिस थिंग, चलिए देखते हैं जरा। अब जैसे होता क्या है, एक थोड़ा सा मैं आपको लॉ बता देता हूं इंडिया में लॉ क्या चलता है चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर के। अब जैसे चाइल्ड अडॉप्शन के लिए कई बार लोग कहते हैं कि मुझे चाइल्ड अडॉप्ट करना है, ये करना है, वो करना है। पहले तो आप लोग रूल जान लीजिए क्या होते हैं रूल्स। फर्स्ट थिंग, मैरिड होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए और 30 ईयर प्लस होना चाहिए, देन ओनली दे कैन गो फॉर चाइल्ड अडॉप्शन। चाइल्ड अडॉप्शन के लिए ये लोग फिर जा सकते हैं। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, डॉक्टर के यहां पर डॉक्टर का मेडिकल एक कह लीजिए रिपोर्ट होना चाहिए इनके पास, जहां पर यह बताया जाए इधर मेल और फीमेल दोनों में से कोई ना कोई एक वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, चाइल्ड प्रोड्यूस करने में ही इज नॉट एबल, ठीक है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी चाइल्ड।
तो एक यहां पर मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जो ये बताए कि भैया इनको बच्चा नहीं हो सकता है, देन ओनली दे कैन गो फॉर अडॉप्शन, फर्स्ट थिंग जो मैरिड है। दूसरी, सपोज यही लोग जा रहे हैं, अब क्या है, सीधी सी बात है, इनको क्लियरेंस तो मिल गया, क्लियरेंस मिलने के बाद ये लोग जाएंगे जहां पर भी, मतलब जो भी ऑर्फनेज है या जहां पर भी है, तो वहां पर जाएंगे, वहां के मैनेजर से मिलेंगे, मैनेजर प्रॉपरली इनके बारे में चेक करेगा, इनके इनके डिटेल्स, इनकी हिस्ट्री चेक करेगा, जो भी कपल है उसकी हिस्ट्री चेक करेगा, अगर उसको कोई भी गड़बड़ी पाता है तो तुरंत के तुरंत वो रिजेक्ट कर देगा, लेकिन इफ चीजें सही होती हैं देन मैनेजर विल डिसाइड। यहां पर ये नहीं है कि मेल फीमेल ये लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बच्चा सुंदर बच्चा है हमको वही चाहिए, मैनेजर विल डिसाइड कि कौन सा बच्चा इनको दिया जाना है, एंड दे हैव टू, इनको क्या है फिर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज अब क्या है चाइल्ड के लिए एक अफिनिटी, एक मतलब समझ लीजिए कि जो होता है एक प्यार की भाव से लेकर के जा रहे हैं, अब आप उसमें बच्चा सुंदर और गोरा ये सब देखेंगे तब तो मतलब कहीं ना कहीं से जो होता है कि मॉरल नहीं है वो, तो इस वजह से जो होता है ये पूरा का पूरा नियम बनाया गया। तो दिस इज फॉर मैरिड, सपोज कोई मैरिड नहीं है, ठीक है, तो जो अनमैरिड है, अनमैरिड है और ये चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मेल कैन ओनली, मेल जो है वो केवल और केवल मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है, और अगर फीमेल है तो कैन अडॉप्ट ओनली फीमेल चाइल्ड, और वो भी आफ्टर जो भी इनकी मतलब इनके बारे में जानना है, इनके बारे में पूरा जानने के बाद तब जाकर के फिर इनको इस तरीके से अडॉप्शन वगैरह किया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारा जो अडॉप्शन का ये जो डिटेल है ये डिटेल लिखा कहां पे है, तो ये डिटेल को बताने के लिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है कैरा, दैट इज चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और यही सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है, दिस इज मॉनिटरिंग या रेगुलेटिंग एजेंसी, और यही पूरा का पूरा सिस्टम ये रेगुलेट कर रही होती है। क्वेश्चन ये उठता है ये जो कैरा है ये बनाया क्यों गया है, ये बनाया गया है, आगे अभी बात करते हैं, इट फंक्शंस एज अ नोडल बॉडी फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटरी टू मॉनिटर रेगुलेट इन कंट्री, चाहे वो कंट्री के अंदर में चाहे इंटर कंट्री अडॉप्शन करना है तो भी, कैरा इज डेजिग्नेटेड एज सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री अडॉप्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ हेग कन्वेंशन। तो दिस इज द मेन कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, जिसके थ्रू ये कैरा बनाई गई है। जैसे क्या है, पेरिस कन्वेंशन के थ्रू हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्या हम लोगों ने बनाया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सिमिलरली कैरा ये बनाई गई है हेग कन्वेंशन के बेसिस पे। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो कैरा प्राइमरी डील्स विद एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स अबैंडन्ड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। क्लियर, हेग कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा अगर बात कर ले तो हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एबडक्शन ये बोलता है कि इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1983, तो 1983 में पिक्चर में आई थी। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू एंश्योर द प्रॉम्प्ट रिटर्न ऑफ चाइल्ड हु हैज एबडक्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ देयर हैबिचुअल रेसिडेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई सीरिया का है, सीरिया का मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको लोग पकड़ करके लेके गए टर्की में। अब यहां टर्की में जो भी गार्जियन है, मतलब जो भी बंदा है, वो क्या करेगा, इस चाइल्ड मतलब हेग कन्वेंशन के थ्रू ही कैन सेंड दैट चाइल्ड बैक टू सीरिया। क्यों, क्योंकि ये जो होता है चाइल्ड एबडक्टेड किया गया था फ्रॉम दैट कंट्री। क्लियर, द कन्वेंशन अप्लाइज टू, अब ये यहां पे क्वेश्चन ये होता है चाइल्ड की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड ईयर। तो चाइल्ड केवल उनको बोला जाएगा जो भी 16 साल या 16 साल से कम के हैं, ठीक है, 16 साल अंडर 16 ईयर एज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जनरली हर जगह पे या तो 18 ईयर्स चाइल्ड की एज है या फिर 19 इयर्स है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि चाइल्ड की एज क्या है। क्लियर हो गया, तब जब चाइल्ड के बारे में आ गया है तो यहां पर हम लोग एक और अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि निकाली गई है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल। अब प्रेगनेंसी के लिए क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में। अब जैसे क्या होती है, मान लीजिए किसी को कोई डिसेबल्ड है, कोई एक डिसेबल्ड है, या फिर कोई एक मान लेते हैं माइनर है, ठीक है, या मान लेते हैं कि कोई एक अनमैरिड है, कोई अनमैरिड है, ठीक है, या फिर एक और चीज हो सकती है कि कोई मान लीजिए कि मेडिकल प्रॉब्लम है, सम्बोज कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर मेडिकल प्रॉब्लम है। तो अब मान लीजिए सपोज कि बेबी कंसीव कर लिया गया, सपोज बेबी कंसीव कर लिया गया, तो अब क्या होता है कि वन ऑप्शन इज ऑलवेज क्या कि यहां पर मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया जाए या फिर कह लीजिए कि अबॉर्शन हो जाए। तो अबॉर्शन इज एन ऑप्शन, क्योंकि ये मतलब या तो मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसके कारण से अबॉर्शन किया जाता है, बट अबॉर्शन तो हमारे यहां पे इलीगल है। यस इट इज इलीगल, बट समटाइम्स
जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं या कह लीजिए कि जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, अगर वो ये बात कह दें कि हाँ इनकी प्रेगनेंसी मतलब कह लीजिए कि वो कंटिन्यू नहीं की जा सकती है क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम आगे हो सकता है, तो उसके लिए एबॉर्शन किया जा सकता है ओनली इन द केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। लेकिन इसमें भी रूल है केवल और केवल 20 वीक से पहले, 20 वीक के बाद होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर होता क्या है, 20 वीक तक कई बार क्या होती है कि जो मतलब सोसाइटी है या कह लीजिए कि जो भी कपल्स वगैरह हैं वो ये बोले कि दिस इज वेरी मतलब बहुत ही कम समय है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, दिस नीड टू बी रिवाइज टू 24 वीक कर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था जिसके लिए जो होता है बार बार डिमांड हो रही थी। एंड नाउ गवर्नमेंट हैज कम अप विद न्यू अमेंडमेंट बिल दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहां पर इसको बढ़ा करके 24 वीक कर दिया गया है, लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो चलिए फिर देखते हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन और इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा। तो देखिए यहां पर क्या है कि प्रपोजिंग रिक्वायरमेंट फॉर ओपिनियन ऑफ वन प्रोवाइडर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ टू प्रोवाइडर फॉर टर्मिनेशन। अब जैसे क्या है, अभी तक जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते थे उन केवल और केवल एक की जरूरत थी, मतलब एक की ही कह लीजिए कि एक्सेप्टेंस की जरूरत थी, उनकी रजामंदी की जरूरत थी। लेकिन अगर 20-24 वीक या आगे के बारे में बात करेंगे, इनको अगर अबॉर्शन कराना है तो मिनिमम दो की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक से काम नहीं चलेगा। नाउ टू मेडिकल प्रैक्टिशनर नीड टू वेरीफाई कि हाँ ठीक है, इनको इस चीज की अबॉर्शन कराने की जरूरत है, इनके लिए कंडीशन ठीक नहीं है। एनहांसिंग द अपर जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20-24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन है ये, विच विल बी जो कि डिफाइन किया जाएगा इन द अमेंडमेंट एमटीपी रूल एंड वुड इंक्लूड वल्नरेबल वुमेन इंक्लूडिंग सर्वाइवल ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन लाइक डिफरेंटली एबल्ड और माइनर। तो इन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम किया गया है। यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम नहीं आना चाहिए। तो नाम के लिए एनोनिमिटी बनाई गई है, यहां पर नाम कहीं से भी रिवील नहीं किया जाएगा, केवल और केवल नाम और उनकी इंफॉर्मेशन उन्हीं को पता रहेगी जो भी इसमें लॉफुल तरीके से इन्वॉल्व होंगे। द नेम एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ ए वुमन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड शैल बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू द पर्सन ऑथराइज्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय जो भी लोग होंगे उसके बारे में है। अब क्वेश्चन ये उठता है इसका बेनिफिट क्या है, तो देखिए बेनिफिट काफी सारे हैं। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ वुमन एंड मेनी वुमन टू बी बेनिफिटेड विद दिस। The proposed increase in gestation age will ensure dignity, autonomy, confidentiality and justice for women who need a termination pregnancy. Clear हो गया? तो ये देखिए अभी फिलहाल ये बिल है और इसमें भी काफी कुछ अमेंडमेंट होने की पूरी संभावना है, पूरी चांसेस है, और उसके बाद से ये जब एक्ट बन के आएगा तो यू कैन देख सकते हैं कि ये क्या चीज है। बट हाँ फिलहाल क्वेश्चन इससे जरूर बन सकता है कि प्रेगनेंसी के लिए इस समय अडॉप्शन अगर कराना है, सॉरी अबॉर्शन कराना है, तो उसके लिए क्या क्या टाइम पीरियड है, तो 20 वीक्स फिलहाल के लिए आप बोलेंगे कि है, और क्या कंडीशन है, कंडीशन आप बता देंगे कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके थ्रू अबॉर्शन की जा सकती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें होंगी। आगे आता है कुछ डिफेंस रिलेटेड चीजें आ गई हैं, जैसे डिफेंस रिलेटेड अगर बात करें करंट अफेयर्स, तो देखिए एक है जहां पर K9 वज्र टी, ये एक तरीके की क्या है, एक तरीके की ये कह लीजिए कि छोटी सी तोप है, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट गन फॉर फायरिंग शेल्स ऑन हाई ट्रेजेक्टरी एट लो वेलोसिटी, तो हाई लंबा चौड़ा ये मारेगा, लंबा चौड़ा दूरी तक के लिए है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये न्यूज में क्यों रहा है, तो क्या हुआ है कि इसको बनाने का काम दिया गया था L&T को, L&T मतलब डिफेंस का भी काम कर रही होती है, इसको काम दिया गया था और इसने क्या है फटाफट बना होना करके जो होता है आर्मी को दे दिया है, लो भैया काम करो। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो K9 गन ये जो L&T के द्वारा लिया गया है ये कैसे लिया गया है, हाउ, क्या है प्रोग्राम कौन सा है, तो यहां पर क्या है K9 गन हैज बीन डेवलप्ड अंडर द बाई ग्लोबल प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाई ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ DPP डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वेयर फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, फॉरेन कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। दूसरा एक और मिसाइल है जिसका नाम है K4 मिसाइल, इंडिया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द 3500 किलोमीटर रेंज K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज मरीन्स लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज पावर्ड बाय सॉलिड रॉक प्रोपेलेंट। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये सिस्टम है जहां पर इस तरीके की बलास्टिक मिसाइल को मारा गया है, बलास्टिक मिसाइल, ठीक है। हमारे पास देखिए बहुत सारी बलास्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, बहुत सारी मिसाइल्स हैं। मैं एक काम करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी मिसाइल्स वगैरह को भी इंक्लूड कर लूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी।
देखिए साइंस एंड टेक का एक टॉपिक होता है पूरा का पूरा, जो केवल और केवल करंट अफेयर्स होती है। इसमें इसमें आपको कुछ भी बेसिक्स, मतलब कोई अलग से बायो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। यहाँ पर साइंस एंड टेक के लिए केवल और केवल आपको करंट अफेयर्स पे ही फोकस करके रहना है, और करंट अफेयर्स के लिए मैं साथ में ही जितनी भी बेसिक्स वगैरह हो सकती है वो सारा मैं एक साथ ही इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ताकि आपका पूरा का एक सब्जेक्ट तैयार हो जाए साइंस एंड टेक से रिलेटेड। आपको अलग से साइंस एंड टेक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि K4 मिसाइल के बारे में ही देखिए, तो ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। DRDO आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है, बाकी चीजें ठीक है। द मिसाइल इज टू बी फिटेड इन टू द इंडिजिनियसली बिल्ट अलिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो ये चीज देखिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस K4 मिसाइल के बारे में क्या ये मतलब क्या चीज है, तो आप बता देंगे दिस इज अ मिसाइल विच इज न्यूक्लियर पावर्ड एंड कैन बी यूज्ड इन सबमरीन्स ऑफ इंडियन नेवी, क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिजिनसली बिल्ड है, ये चीज है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये अगेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में मैंने पूरी डिटेल यहां पर लिख दी है, इसको हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इंडिजिनस कंटेंट के बारे में बताया गया है। मतलब क्या चीज है? इट इज स्टिपुलेटेड इन वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय अबाउट 10% टू सपोर्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यहां पर जो होता है 10% सपोर्ट लिया जाएगा। एक्चुअल में ये है क्या, पहले एक बार डिस्कस पूरी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि इसमें बारे में है क्या। तो फर्स्ट इज इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? लीजिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू अ न्यू कैटेगरी ऑफ एक्विजिशन टू एग्जिस्टिंग बाय एंड मेक कैटेगरी टू सब्स्टिट्यूट ह्यूज इनिशियल कैपिटल आउटलेस विद पीरियोडिक रेंटल पेमेंट हैज लेसर कैन बी बोथ इंडियन एंड ग्लोबल। ये कुछ खास है नहीं, हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। थर्ड जो है बाय ग्लोबल प्रोग्राम, जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस ही किया है, बाय ग्लोबल प्रोग्राम मैन्युफैक्चर इन इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस विद मिनिमम 50% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट ऑन कॉस्ट बेसिस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट विच वुड बी 3 to 5 years आफ्टर द वारंटी पीरियड इज ओवर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अ प्राइस वेरिएशन क्लॉज हैज बीन इंट्रोड्यूस दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल केस वेयर टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 1000 crore एंड डिलीवरेबल शेड्यूल 60 months। तो देखिए इतना कुछ खास है नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि देखिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, इसमें अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को पार्टिसिपेट करना है तो फॉरेन कंपनी को पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन कंपनी के साथ में इनको कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा। अब ये कोलैबोरेशन कर कैसे सकते हैं? पहला टेक्नोलॉजी दे करके, या फिर फर्स्ट थिंग कि आप टेक्नोलॉजी दे दीजिए इंडिया वालों को, इंडिया वाले प्रोड्यूस करेंगे, या फिर इंडिया वाले लोग 50% इंडिजिनस प्रोडक्ट बताएंगे आपको, अगला 50% का सामान और टेक्नोलॉजी लगा करके अपनी डिफेंस रिलेटेड जो भी गन वन बनानी है, जो कुछ भी बनानी है वो बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में था, जहां पे इंडिजिनस कंटेंट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस सिस्टम का, क्लियर हो गया। बाकी इसके बारे में डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, मटेरियल मैं ऑलरेडी डाल ही दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमन क्लियर कोड, वॉट इज दिस थिंग। अब जरा इसके बारे में सुनने से पहले जरा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ग्लोबल ट्रेड के बारे में। ग्लोबल ट्रेड, वॉट इज दिस ग्लोबल ट्रेड एंड हाउ इट इज बीइंग डन। अब जैसे होता क्या है कि हमारे पास तीन तरीके की कंट्रीज होती है, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग, और एक होती है हमारी क्या, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDC। जो डेवलप्ड होती है ये मेनली क्या करती है, अगर बात करें कि इंपोर्ट क्या करती है, तो इंपोर्ट करती है ये रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं होता है, या अवेलेबल होता भी है तो भी ये निकालते नहीं है। और एक्सपोर्ट या क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक। यहां पर डेवलपिंग में अगर बात करें तो ये लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ये कुछ, और कुछ रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, दोनों करते हैं, रॉ मटेरियल भी करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड भी करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड भी करते हैं। एलडीसी ये इंपोर्ट क्या करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर्ड गुड, मैन्युफैक्चर्ड गुड। और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ये पूरा एक्सपोर्ट करते हैं क्या, रॉ मटेरियल, क्योंकि यही इनके पास है ही। अब जैसे क्या होता है, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको, डेवलप्ड इकोनॉमी को डर लगा रहता है डेवलप्ड इकोनॉमी से, क्यों? इनफैक्ट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है उससे काफी डर लगा रहता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग। क्यों डर इसलिए लगा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये भी डेवलप्ड बन जाएंगे, और डेवलप्ड बन जाएंगे तो इनका जो मार्केट है, इनका जो मार्केट है
वो खराब कर दिया जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि इंडिया एंड चाइना आर द टू फास्टेस्ट इकोनॉमी, टू फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बोल सकते हैं। चाइना का तो आप कुछ भी बाल विभाका नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, तो इस पर तो कोई काम किया नहीं जा सकता है। लेकिन इंडिया, इंडिया पे बहुत काम किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इंडिया लिबरल है, कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाता है, इंडिया चुपचाप सुनता रह जाता है। हालांकि ये सब बदल गया है, बट स्टिल जो है सो है। तो इंडिया में क्या है कि हम लोग रॉ मटेरियल भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और साथ में मैन्युफैक्चर्ड भी कर रहे होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर्ड वाली चीज है, ये तो फटाफट आप जो होता है तुरंत टेस्टिंग कर लेंगे, इफ इट इज गुड चलो ठीक है लाद लो, और अगर बढ़िया नहीं है तो रिजेक्ट मार दो, दोनों चीजें हो गई। लेकिन रॉ मटेरियल में क्या है कि यहां पर क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की जा पाती है, ठीक है। तो अब होता क्या है, क्योंकि WTO की नॉर्म है कि कोई भी चीज आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आ गया है तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब डेवलप्ड इकोनॉमी वाले करते क्या है, ये बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि जो भी इंडिया से मटेरियल आ रहा है, चाहे आम आ रहा है, मैंगो आ रहा है, या फिर सेब आ रहा है, या कोई अदर रॉ मटेरियल आ रहा है, वो फाइटोसैनिटरी मेजर को पूरी तरीके से सही मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। फाइटोसैनिटरी का मतलब क्या है, साफ सफाई। और इंडिया वाले अपने आप को मान भी लेते हैं कि हम गंदे हैं, हो सकता है फाइटोसैनिटरी मेजर हमने ना लिया हो। तो इस फाइटोसैनिटरी मेजर के थ्रू कई बार डेवलप्ड कंट्री ने हमारा जो पूरा का पूरा स्टॉक रहा है, जितना भी आइटम हम लोगों ने पूरा भेजा है, वो पूरा का पूरा स्टॉक हम लोगों को वापस किया हुआ है, जिसके कारण से हमें काफी ज्यादा लॉस हो रखा है। अब इंडिया वाले क्या करें भाई, अपने आप को कैसे प्रूफ करें कि भाई हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, हम हाथ पांव पोंछ करके तब आगे बढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं तो हाथ धो करके खाते हैं, कैसे बताएं अपने आप को? ये बताने के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, WCO की, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक कोड है, और इसी कोड को बोला जाता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। इस कोड में बताया गया है, मतलब इस कोड में मतलब क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, क्वालिटी टेस्टिंग, और इस क्वालिटी टेस्टिंग के बाद इनको एक नंबर दे दिया जाता है, यूनिक नंबर दे दिया जाता है। और अगर वो यूनिक नंबर, मतलब कह लीजिए कि WCO के, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के कोड को या क्वालिटी टेस्टिंग को पास करने के बाद जब कोई भी प्रोडक्ट निकल जाता है, अब इसमें आप कोई भी कमी बेसी कुछ भी आप फाइटोसैनिटरी मेजर या क्वालिटी का इशू नहीं लगा सकते हैं, ऐसा बोला जाता है WCO के नॉर्म के द्वारा। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में ये सिस्टम क्या है। अब आते हैं हम लोग जरा डिस्कस करते हैं यहां पर क्या है। फिलहाल पीयूष गोयल जो हमारे मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज, तो उन्होंने कहा है कि नो इंपोर्ट विल बी अलाउड विदाउट HSN। विदाउट HSN के हम लोग कोई भी चीज अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है HSN वाली चीज क्या है, तो इट इज अ कोड यूज्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज, स्टैटिस्टिकल एजेंसी एंड अदर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंपोनेंटी। तो ये मॉनिटर करती है एक्सपोर्ट ऑफ कंपोनेंटी। इट इज अ 6-डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड। जैसे क्या होता है, जब ये क्वालिटी टेस्टिंग को पास कर जाती है तो एक 6-डिजिट का इनको एक कोड दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि लो भैया अब तुम पास हो गए हो। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय WCO, तो ये WCO के द्वारा हो जाती है। WCO के बारे में जरा से आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में यही चीज है कि यहां पर क्या है कि हेडक्वार्टर इनका ब्रसल्स बेल्जियम में है, एस्टैब्लिश की गई थी 1952 में, इंडिया भी एक मेंबर है, और टोटल 153 मेंबर है। इट इज अ सब्सिडियरी टू UN, यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडियरी है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे एक पहला प्रोजेक्ट है, इसका नाम है बोगी व्हील प्रोजेक्ट, जो असम में खोला गया है। यहां पर देखिए, बोगी व्हील इज अ कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज। इसमें है क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाई गई है, और ये कनेक्ट किसको किसको करेगी, ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट कर रही होगी। इसमें है क्या, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज कई बार आप लोगों ने ट्रेन वगैरह पे मतलब ट्रेवल तो किया ही होगा, तो नीचे मान लीजिए कोई रिवर है, जब रिवर होती है तो नीचे क्या होता है, यहां पर कई सारा इस तरीके से मतलब पिलर दे करके इनको ब्रिज बना दी जाती है। दिस इज ब्रिज, आपने देखा होगा पूरा चारों ओर से ये जो होती है पैक होती है, चारों ओर से पूरा पैक होती है, इस तरीके से यहां पर ट्रस लगा रहता है, दिस इज ट्रस। और यहां पर क्या होती है, रेल लाइन लगी होती है, ये ट्रेन हमारी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रेन मूव कर रही है, दिस इज हाउ द थिंग इज। लेकिन अब क्या है कि अगर सपोज ट्रेन तो जा ही रही है, लेकिन क्या इसके बाद कोई मोटर व्हीकल जा सकता है क्या इस पे, नहीं। तो यहां पर किया क्या गया है, इन्होंने लगाया है नीचे ट्रेन, ऊपर इन्होंने क्या किया है, हाईवे बना दिया है, छत पे हाईवे, वाह नया कंसेप्ट। तो ये पूरा का पूरा रोड बना दिया है, और यहां से मोटरेबल हाईवे बना के रखा गया है। मतलब अब रेल प्लस रोड, ये दोनों मिला करके प्रोजेक्ट बना है, जिसका नाम है बोगी व्हील प्रोजेक्ट। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। समझ में आ गया पूरा सिस्टम क्या है, बोगी व्हील कैसे बनाया गया, क्या चीज है।
बाकी आप सिविल इंजीनियरिंग बच जाइए। हम लोग आते हैं अगले प्रोजेक्ट में। अब हम लोग देखेंगे जरा जम्मू कश्मीर में कितने प्रोजेक्ट बने हैं, क्या लगाए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जैसे इस पर जम्मू कश्मीर में पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जेड मोर टनल, जो बनाया गया कहां पे, इट इज कनेक्टिंग सोनमर्ग इन कोल्ड। जैसे होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगेन देखिए, सपोज दिस इज आवर जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या है कि ये इलाका, यही हमारा इलाका, हमारे पास भी है, तो यहां पर होता क्या है कि ये जो यहां पर रीजियन है, ये जो रीजियन है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, ये हमें ठंड के दिनों में कनेक्टिविटी यहां से टूट जाती है, इन दोनों एरिया से कनेक्टिविटी टूट जाती है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया पड़ जाता है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह यहां पर है, तो इस वजह से काफी ज्यादा कोल्ड एरिया पड़ जाता है। तो यहां पर जो कह लीजिए कि जो रोड्स वगैरह भी हैं वो एकदम समझ लीजिए कि बहुत ही गड़बड़ रोड है और कनेक्टिविटी ठप पड़ जाती है, कनेक्टिविटी रुक जाती है। इनफैक्ट लद्दाख वगैरह में जितने भी लोग बाइकर्स वगैरह हैं वो कभी भी ठंड के दिनों में दिसंबर वगैरह में नहीं जा पाते हैं, क्यों, क्योंकि रोड ब्लॉक रहती है, क्लियर। तो अब किया क्या गया है, एक एक टनल बनाई जा रही है, जैसे चिनानी नाशरी टनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मतलब कनेक्ट की जा रही है सीधे जम्मू को आगे श्रीनगर से कनेक्ट करने के लिए चिनानी नाशरी बनाई गई है, जहां पर बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है। सेम उसी तरीके से सोनमर्ग को कनेक्ट किया गया है बाकी जम्मू से, तो ये भी एक टनल बनाई गई जिसका नाम है जेड मोर टनल, क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो केवल और केवल आपको नाम देखना है, जैसे एक चिनानी नाशरी मैंने बात ही कर लिया, एनएच 1A पे बनाई गई है। इसके अलावा रामबन बनिहाल रोड बनाई जा रही है जो है एनएच 44 पे, श्रीनगर बनिहाल सेक्शन बनाई जा रही है एनएच 1 पे, क्वाजीगन बनिहाल सेक्शन बनाया जा रहा है एनएच 1 पे, लखनपुर हीरानगर बनाया जा रहा है, हीरानगर से विजयपुर बनाया जा रहा है, विजयपुर से कुंजवानी बनाया जा रहा है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया श्रीनगर से लेकर के कुंजवानी तक कनेक्ट हो गया है। तो बहुत ही ज्यादा हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और कह लीजिए कि जो जितने भी LOC के रीजन है उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है हाईवे के थ्रू। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अखनूर को कनेक्ट किया गया पुंछ से, अगेन पुंछ का नाम आप लोग सुने होंगे, काफी ज्यादा वहां पर टेंशन बनी रहती है। इसके अलावा किश्तवर, सिंधास और अनंतनाग, ये पूरा का पूरा बॉर्डर बनाया गया है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो होता है कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, चेकपोस्ट के बारे में, जैसे क्या है, फिलहाल नेपाल के साथ हमारी चेकपोस्ट दो न्यूज में है। तो एक जो पहली बनाई गई थी वो तो बनाई गई थी हमारी, कह लीजिए कि रक्सौल बीरगंज के पास में, दिस इज रक्सौल बीरगंज, रक्सौल बिहार में पड़ता है, बीरगंज पड़ता है नेपाल में, क्लियर। जैसे हमारे यहाँ पे सोनौली बॉर्डर पड़ जाता है जो कि उत्तर प्रदेश महाराजगंज के डिस्ट्रिक्ट से और नेपाल के साथ जो होता है बना होता है, तो ये बन जाती है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वैसे ही रक्सौल बीरगंज का बना हुआ है, और सिमिलरली जो बनी बिहार नगर के लिए बनाया जा रहा है, दिस इज अगेन इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया नेपाल, जो बनी बिहार में पड़ जाता है, विराटनगर पड़ जाता है नेपाल में, और यहां पर भी हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है चेक पोस्ट वगैरह बना क्यों रहे हैं, इट इज द फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नेपाल के साथ हमारी क्या है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, और इस फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत जो होती है पीपल और ट्रेड दोनों का मूवमेंट होता है। Government of India highlighted that improving cross-border connectivity is an important aspect of neighborhood first. अब क्वेश्चन उठता है कि हमारा चेक पोस्ट क्या होती है, चेक पोस्ट इट इज अ सेंटर फॉर फैसिलिटेशन ऑफ बायलेटरल ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर अक्रॉस द बॉर्डर एंड ऑल्सो सिक्योर बॉर्डर्स, ठीक है। इट हैज रेगुलेटरी एजेंसी सच एज इमिग्रेशन, कस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे SSB यहां पर लगी रहती है। इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इट ऑल्सो हैज सर्विस लाइक करेंसी एक्सचेंज काउंटर, बैंक, व्हीकल स्कैनर्स एटसेट्रा। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ये हो जाती है पूरी चेक पोस्ट के बारे में, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज आवर एंड ऑफ आवर चैप्टर, काफी कुछ हम लोगों ने देखा, बाकी जो बची हुई है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा। आप देखिए कुछ इन्वायरमेंट के हमारे करंट अफेयर्स हैं जिनको हम लोग कल देखते हैं, कुछ कल्चर से भी रिलेटेड है, तो हिस्ट्री कल्चर इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर जो बचे हैं उसको कल देखते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई डाउट होता है तो रेज योर डाउट्स देयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर लूंगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।